सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हाँ, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे बहुत जनों का उत्साह बढ़ेगा और बहुत लोगों को मदद मिलेगी। ऐसे कार्य करना बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं सुनीता जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे सब कार्यों को इतना सराहना हो रही है और बहुत आनंद आया। चैल के लिए मैं कई सालों से लाडली से अटैच्ड हूँ, जो कि काफ़ी गर्ल चाइल्ड पे काम करती है और काफ़ी उनके काम से ये भी हुआ है, मदद भी हुई है और ये तो बहुत ही ज़रूरी है अपने देश में। और अब तो धीरे धीरे ये हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, पर अभी भी बहुत चीज़ें करनी बाकी है। मेडस्केप इंडिया डॉक्टरों का वो चेहरा दिखाता है जो फिलान्थ्रोपिक काम होते हैं, उनके जो सामाजिक काम जो होता है उसको अवेयर करता है, उसको उसके लिए प्लेटफॉर्म है कि देश में सबसे ज़्यादा फिलान्थ्रोपिक, सबसे ज़्यादा सोशल काम करने वाले बिना बोले जो रियल हीरो होते हैं हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए अप्रिसिएशन है उनके काम के कंट्रीब्यूशन को। और एक तरह से हर डॉक्टर के अंदर जिस तरह से नॉमिनेशन हमारे यहाँ आते हैं कि एक एक कैटेगरी में 30-30 हज़ार के नॉमिनेशन आते हैं, जिसको बहुत प्रोसेस के साथ हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं जूरी प्रोसेस के साथ, तो इसमें ये रियलाइज़ हुआ कि लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उन्हें जानते नहीं हैं, तो ये एक्चुअली अनसंग हीरो का प्लेटफॉर्म है। और मेडिकल कम्युनिटी के साथ जो भी अच्छे काम में काम करता है, लाइक सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए उसका एक अवार्ड होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड है, अभी पीवी सिद्धू को ये अवार्ड मिल रहा है इस बार के लिए। और जो स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करते हैं, अभी आज के अवार्डी में हमारे जगी सदगुरु भी हैं, उनको मिल रहा है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, एंड वुमेन एम्पावरमेंट के पीवी सिद्धू इज़ गेटिंग, शी सेंड अ वीडियो अभी इन अवार्ड इज़ अ लिटल लेटर ऑन, बट it has got a lot of people. Even guy person Dr. Rao is getting from Tamil Nadu, has done more than 2 lakh people for the remote area. So such kind of awardees are coming who has impacted the life certain way. तो ये डॉक्टरों का है कि वो जितना काम कर रहे हैं उनके काम को दिखाना और लोगों तक पहुँचाना और उनके प्रति लोगों के मन में जो भी थॉट प्रोसेस है उसके बारे में रियलिटी दिखाना। इसी तरह हमारा डॉक्टर एंथम भी है, जो डॉक्टर और पेशेंट के फीलिंग्स को बताते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, जो डॉक्टर हम अपने पेशेंट के लिए कैसा फील करते हैं, वो हमारे कई सारे प्रोग्राम में ये एक्सप्रेस होते हैं रहते हैं। तो क्या होता है कि वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस इन पार्टनर, जब नॉमिनेशन आता है उसके 6 महीने की प्रोसेस होती है, लोग सिलेक्ट होते हैं, 30,000 के अंदर आप बेस्ट 15 निकालते हैं, फॉर फर्स्ट लाइन जूरी नेशनल प्रेसिडेंट के पास जाती है। जैसे आई एम रेडियोलॉजिस्ट, तो मेरी नेशनल प्रेसिडेंट विल बी द यू नो फर्स्ट जूरी हु हैज़ टू नॉमिनेट एटलीस्ट बेस्ट 15 फ्रॉम द मेडिकल फ्रॉम इंडिया। देन सेम वे आफ्टर सिलेक्शन इट गोज़ टू द फाइनल जूरी, जैसे कार्तिके जी इज़ आवर जूरी हु इज़ अ CBI डायरेक्टर, वी हैव मिशालकर हुज़ ऑल्सो त्रिगुना जी फ्रॉम दिल्ली इज़ अ जूरी फॉर द फाइनल। तो पीपल हु आर एसोसिएट देर हाई कैलिबर एंड दे नो वॉट इज़ गोइंग ऑन, वी सिलेक्ट पीपल विद द विग्रेस प्रोसेस एंड देन वी अवार्ड देम टूडे। इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस, फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अदरवाइज नॉर्मली इज टू बी आउटसाइड, एंड वी आर रियली फाइंडिंग डिफरेंट एंड इट इज़ एक्साइटिंग ऑल्सो, एंड मैम हैज़ कम टू ब्लेस अस, सो यू कैन फील इट कि हाउ डीप रूटेड दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे स्टॉक मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी और जब प्रॉब्लम हुई थी बीच में उसमें ही सुनी थी, बट जब हम लोग को आशीष जी ने बोला लाइक यू शुड डू हियर ऑल्सो सम प्रोग्राम स्पेशली द सेव द गर्ल चाइल्ड, तो हमने वी थॉट टू डू इट हियर, एंड एवरीबडी फ्रॉम माई कम्युनिटी, राजीव पुदार जी, ऑल दिस एवरीबडी हैव
supported this wholeheartedly, this program. They all welcome us. We didn't feel ki I'm a doctor, I'm not from the finance background and doing Bombay Stock Exchange. So we had got a tremendous support from the people for this campaign itself, for the Save the Girl Child itself. Dr. Sunita बहुत अच्छा काम कर रही है और आज जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उसके लिए मतलब जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के लिए और मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है और इसलिए मैं सुनीता जी को मुबारकबादी देती हूं और कहती हूं कि इतना अच्छा काम करते रहें ज़रूरी है क्योंकि मतलब गर्ल चाइल्ड जो है मेरे हिसाब से एक नारी शक्ति है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है इनको फेलिसिटेट किया जा रहा है आई सेव द गर्ल चाइल्ड का प्लेज ले रही है मैम सबके लिए और ये सपोर्ट कर रही है कॉज को और ये खुद भी अपने आप में एक महिला की सशक्तिकरण की बहुत बड़ी रूप है जो आदर इनके लिए लोगों के मन में है वो आप देख ही सकते हैं कि सब एक सेकंड देखने के लिए और मिलने के लिए इनसे दूर से आए हुए हैं सो आई एम वेरी प्राउड टू हैव हर एंड इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया आशा पारक मैम ने और वो हॉस्पिटल कई लोगों को उस टाइम पे फिल्म स्टार का बनाना बहुत बड़ी बात है आई थिंक किसी ने बनाया नहीं इस तरह का हॉस्पिटल जो आज तक उसका नाम है इतना संस्था से जहाँ एक बहुत अच्छा काम नोबल काम हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर सराफ बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे आरटीएस कांग्रेचुलेशंस टू द मेडस्केप इंडिया टीम अ थीम व्हिच इज द हार्ट ऑफ इंडिया अ थीम व्हिच फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल वी हैव बीन थिंकिंग ऑफ बट अ थीम व्हिच वी हैव लॉन्ग फॉरगॉटन द वर्ल्ड नोज That is your India, which respected the women. Our goddesses were women. They were Griha Lakshmis, polite, holding the family together when times be. And goddess Kali, when times were bad and they had to fight it out. But somewhere in between, we forgot our culture. Probably influenced by the Western and the Middle East culture, we forgot to respect the women. We put them in the parda for safety and made them into toys. That era is over. It's an independent India. In the independent India, there is not only independence of every living human being here, which includes women, but also there's an inbuilt respect for women. The goddesses of the family and the fighting power for the world. मैं डॉक्टर जवाहर शाह हूँ 40 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारी चार जनरेशन होम्योपैथी में है मेरा एक ही कहना है कि जो लोगों को हम रिलीफ दे सके वैसा काम करना चाहिए लास्ट 30 साल से हम लोग विलेजेस में जाके ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को और रिलीफ देते हैं अभी जो हमने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट किया है उसमें 1.5 लाख वी हैव सीन 1.5 लाख पेशेंट्स इन रिमोट प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड वी हैव गिवन देम रिलीफ वी हैव अ कंप्लीट बुक ऑन दैट व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम ऑफ द केसेस ऑफ पैरालिसिस सिंस 5 ईयर्स द पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस द पेशेंट कम्स बैक वॉकिंग In 5 weeks. This is the change which we have produced. Today at BSC, we have a very important function. Even the Prime Minister has said we should save the girl child, Beti Padao, Beti Bachao. This is a step in that direction. This is the 8th Medscape Award function, when we are honoring people who have done very, very good work in this area, including not only the girl children, but all children. And there's also the launch of Fitness for India, Fit India movement, and which I'm very glad at. देखिए मेडस्केप इंडिया वाकई इन्होंने 7 साल से जो कहते हैं ना बेबी को बड़ा किया है बिल्कुल अच्छा है हालांकि मैं डॉक्टरों मिली नहीं करता मैं पिछले 18 साल से डॉक्टरों के पास जाता ही नहीं मगर क्या है कि सुनीता जी मतलब सी इज लाइक टू फैमिली और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी इस दुनिया में क्या है बी रियल बी नेचुरल और भैया फिट रहो हेल्थ रखो हमारे हाथ में 5 बॉल होती हैं 3 होती हैं कांच की और 2 होती हैं रबड़ की मगर क्या करते हैं हम कांच को संभालने में रबड़ की संभालते नहीं उसको पहले कांच की तोड़ देते आपने सुना भी होगा जैसे कहे हैं पहले जो कांच की बोल है वो है हमारा पैसा व्यवसाय वो छूटा
मतलब रबड़ की बोल है, छुटा वो रात में आ जाएगा। सेकंड हमारे ये क्या कि दोस्त हैं वो छुटे फिर भी आ जाएंगे, फिर ये प्रॉपर्टी है, धन दौलत शोहरत ये भी छुट्टी आ जाएगी। कांस की बोल है आपका शरीर, छुटा चला गया, और फिर है आपकी फैमिली, छुटा टूट गया। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, अगर वो दो नहीं रहेंगे जिनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए नेचुरल रहो, रियल रहो और अपने आप को फिट रखो। इस अवार्ड का ही मतलब वही है, मेडस्केप का, हेल्दी रहो और जो कुछ भी करो ना सबका टाइम आता है, अपने टाइम के अनुसार करो, बेस्ट करो। नमस्ते, मेरा नाम अलीफिया है। आप मुझे शायद टेलीविजन एक्टर के तौर पर जानते होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा इंसान बनना या अपने आप को एक अच्छे इंसान के तरीके से प्रोजेक्ट करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम अ फिटनेस एंथूजियास्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है एसोसिएट करना अपने आप को ऐसे नोबल कॉज से, सेव द गर्ल फाउंडेशन, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। और इससे भी इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ फिटनेस, जो फिट इंडिया मूवमेंट है मुझे ये बहुत पसंद है। सो सुनीता मैम, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू गॉट सच अ नोबल कॉज एंड यू बिन डूइंग इट सिंस द पास्ट 7 years। I being a girl myself, I'm very very glad that somebody like you, I would love to associate with. You're already part of it. Thank and, you so much. We all welcome. We have a lot of great people like you who's contributing to this cause. And you know, amazing thing is about this program, not even single sponsor. There's nothing was there, and everyone real. Is there. Absolutely. Nothing real. Means you know you start. It's a blessing. This program is totally a blessing. People have come from a award to take Durban. People have come from USA, people have come from all over country, and it's all happening. It's amazing. जैसे हम कहते हैं ना, शाहरुख खान कहते हैं कि दिल से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो आपने दिल से चाहा और हो गया। We talk to influencers like her who have a big voice, जिनकी आवाज से लोगों में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। उनके एक शो से आप सब आए हैं एंड आई एम ग्रेटफुल टू सी यू ऑल हियर। एंड आज का जो इवेंट है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स। शी इज सेलिब्रेटिंग पीपल हु आर हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनीता जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई हैव कम जस्ट टू सेलिब्रेट यू, क्योंकि आप सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं, आज हम आपके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग आवर प्रोग्राम एंड कैंपेन, एंड वी नीड यू ऑल। यस, तो वुमेन एम्पावरमेंट, फिटनेस, सब कुछ एक ही जगह पे आ गया है एंड सब यही चाहते हैं टू लुक गुड, एंड शी इज द बेस्ट पर्सन, शी हैज ऑल द सॉल्यूशन। यस, सो आई थिंक गर्ल्स का यही होती खूबी, वो खुद खूबसूरत दिखना चाहते हैं और दूसरों को भी खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। शी इज हेल्पिंग एवरीवन। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सेव द गर्ल चाइल्ड, पीपल लाइक यू, दे एम्पावर्ड गर्ल चाइल्ड, सो इट्स ग्रेट। ऑफ कोर्स हम गर्ल चिल्ड्रन को ऐसे आइकॉन्स चाहिए, क्योंकि इनके इवेंट्स में हम आते हैं, वी फील स्पेशल, एंड देन हमारे फोटोज देख के हमारे फ्रेंड्स फैमिली खुश होते हैं कि सुनीता दुबे जी ने इनके लिए कुछ किया, देन यू नो वी फील स्पेशल ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आई रियली वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मेडस्केप इंडिया एंड मिस सुनीता दुबे जी फॉर हर कंसिस्टेंट वर्क। जब वो ऐसे अवार्ड्स करती हैं, उन्होंने कंसिस्टेंट काम किया है बिहाइंड द टॉपिक सेव द गर्ल चाइल्ड एंड फिट इंडिया। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेव द गर्ल चाइल्ड डेफिनेटली है, बिकॉज इंडिया में इसको बहुत ज़रूरत। और ऐसे इवेंट्स जहां हम जो लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको और प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, हमें ऐसे काम और करने हैं, और वो और एफर्ट्स डालते हैं। सो आई थिंक एनी अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट वी पुट इन टुवर्ड्स अ कॉज लाइक सेव द गर्ल चाइल्ड इज़ अमेजिंग। और फिट इंडिया जो सेकेंड इनका कॉज है, वो भी आई थिंक इज़ अमेजिंग फॉर ईच वन ऑफ अस हू स्टैंडिंग हियर। अल्टीमेटली हम लाइफ को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम फिट होते हैं, और इसकी तरफ जब हम हाईलाइट करते हैं तो हम सबको एक समझ आती है कि नहीं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। नहीं तो हम इतने बिजी होते हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम मेडिटेट करें, हम वॉक करें, हम सही खाना खाएं। हम सब जानते हैं ये राइट चीज़ें हैं, पर जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है नहीं, हम भी कर सकते हैं और हम भी करेंगे, एंड वी गेट फिटर एंड वी लिव अ बेटर लाइफ। सो आई थिंक बोथ द कॉजेज दैट शी सपोर्ट्स आर अमेजिंग कॉजेज, एंड दे आर सो क्लोज टू माई हार्ट एंड they're so connected to each one of us. So I would like to congratulate them for doing this year and year again, and for the way she's consistently been doing this. So I would like to congratulate Medscape India and Sunita Dubey ji on this. Samaj aur media aaj national award mila. Thank you Sunita ji.
बिल्कुल समझा और थैंक्स फॉर ऑल एंटायर टीम और इतना सम्मानित देने के लिए और मैंने भी जिनको फेलिसिट किया उनका साथ भी बहुत अच्छा लगा इट्स रियली नाइस अभी यहाँ पे सबकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखिए आई एम रियली रियली एनर्जेटिक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर आई एम वेरी थैंकफुल टू स्नेहा फॉर टेकिंग अस हियर इट्स रियली नाइस इवेंट एंड आई वुड लव टू कम अगेन जब ये दोबारा होता है फॉर श्योर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इट्स अ ग्रेट दिस इवेंट इज Thank you so much for your valuable time.